नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। देखो, संदर्भ सेवा की अगर दोस्तों अपन बात करें, संदर्भ सेवा किसे कहते हैं, रेफरेंस सर्विस किसे कहते हैं, पुस्तकालयों में जो पाठक आते हैं उन पाठकों को सूचनाएं प्रदान करना एक व्यक्तिगत तौर पर, वो दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी संदर्भ सेवा कहलाती है। क्लियर है? रेफरेंस सर्विस की अगर अपन बात करें, संदर्भ सेवा की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, पुस्तकालयों में जो है संदर्भ सेवा लगभग 1875 की आसपास संदर्भ सेवा दी जाने लगी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन बात करेंगे। आज की क्लास में केवल और केवल रेफरेंस सर्विस की अपन बात करेंगे कि रेफरेंस सर्विस होती क्या है, संदर्भ सेवा किसे कहते हैं, ठीक है, पुस्तकालयों में किस प्रकार से दी जाने लगी है, भारत में सर्वप्रथम कब दी जाने लगी, विश्व में कब दी जाने लगी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है, कंसेप्ट वाइज एक एक चीज की अपन बात करेंगे। संदर्भ सेवा जो है एक संदर्भ विभाग जो होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है, उस विभाग के द्वारा इस सेवा को दिया जाता है। सबसे पहले जो अपन बात करें संदर्भ सेवा की, अपन बात करते हैं इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो पुस्तकालय की अपन बात करें, प्राचीन समय की अपन सूचना का स्वरूप की अपन बात करते हैं, प्राचीन समय में जो सूचना का स्वरूप था वो दोस्तों क्या था, मौखिक था, केवल और केवल। क्लियर है? सूचना का स्वरूप क्या था आपका, मौखिक था। प्राचीन समय में जो ग्रंथ थे उनको लिखना पाप समझा जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपकी पुस्तकों को लिखा जाने लगा। लिखने के बाद में दोस्तों जो पुस्तकें लिखी जाने लगी वो हस्तलिखित थी। फिर उसके बाद में 1444 की दोस्तों अपन बात करते हैं तो जो गुटनबर्ग है जर्मनी की, उन्होंने आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया, जो कि पुस्तकों की छपाई होने लगी। आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार का मतलब है कि पुस्तकों की छपाई होने लगी 1440 में, और जो इसका मशीन का जो आविष्कार किया है वो गुटनबर्ग ने किया है। उसके बाद में धीरे धीरे जो पुस्तकें छपाई होने लगी तो पुस्तक जो है पुस्तकें अधिक मात्रा में छपाई होने लगी, हर व्यक्ति के पास पुस्तकें पहुंचने लगी। जो पुस्तकें पहले मंदिरों में संग्रह की जाने लगी थी, उसके बाद में एक भवन की आवश्यकता पड़ती है और सभी पुस्तकें कहाँ पर, मंदिरों से कहाँ पर स्थानांतरित होगी, भवन में स्थानांतरित हो जाती है। फिर उसके बाद में जो पुस्तकालय में जो है भवन में पुस्तकों को संग्रहित किया जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है, आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार हो गया था, पुस्तकें अधिक आने लगी और धीरे धीरे वो गलने लगी, उनमें जो ज्ञान था वो ज्ञान नहीं पुस्तकों तक सीमित रह गया। फिर उसके बाद में आवश्यकता पड़ती है कि इन जो पुस्तकालय जो भवन में जो पुस्तकें रखी गई है इनको सार्वजनिक जनता के लिए, जनता को आमंत्रित किया जाए और जनता आकर क्या करे, इनका उपयोग करे, जनता आकर उपयोग करे। लेकिन फिर उसके बाद में एक और विभाग की आवश्यकता पड़ती है और उस विभाग का दोस्तों नाम क्या है, संदर्भ विभाग की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे पाठक जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनको जो है एक सेवाएं दी जाती है, उन दी जानी चाहिए, उनको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए। कोई पाठक पुस्तकालय में आकर मांग करता है, किसी भी सूचना की मांग करता है, ठीक है, तो उसको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए तो एक विभाग की आवश्यकता पड़ती है, संदर्भ विभाग की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए समय समय पर क्या होते रहे, सम्मेलन होते रहे, प्रयास होते रहे। लेकिन जो है यूएसए में दोस्तों एक सम्मेलन होता है 1875 में फिलाडेल्फिया शहर में, तो उस सम्मेलन के बाद में यूएसए के पुस्तकालय में संदर्भ सेवाएं दी जाने लगी। तो विश्व में सर्वप्रथम आपके संदर्भ सेवा 1875 के आसपास दी जाने लगी यूएसए के पुस्तकालय में। क्लियर है? तो ये तो अपने बिल्कुल बेसिक से अपन बात की कि संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस प्रकार से होता, आवश्यकता क्यों पड़ी। संदर्भ जो सेवा है ये संदर्भ विभाग के द्वारा दी जाती है, रेफरेंस सेक्शन के द्वारा दी जाती है। फिर उसके बाद में संदर्भ विभाग के भी अलग अलग क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल केवल रेफरेंस सर्विस, संदर्भ विभाग जो है संदर्भ सेवा की अपन बात करेंगे। आपको दोस्तों एक एक चीज आपको क्लास में नोट्स लिखवाया जा रहा है, आप आराम से नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो दोस्तों, अपने आप के साथ, स्वयं के साथ आप धोखा कर रहे हो आप, ठीक है। लाइव क्लासेस के माध्यम से एक एक क्लास में नोट्स लिखवाया जा रहा है, उस क्लास का नोट्स का आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपने खुद की हाथों से नोट्स बनाओ, जो लाइव क्लासेस में लिखवाया जा रहा है उसमें टाइम दिया जाता है आपको आराम से, उसमें लिखवाने के लिखने के लिए आप आराम से लिख लो। उसके बाद जब जो पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ में से भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, नोट्स आराम से बना सकते हो। हर क्लास की आपको क्या मिल रही है, पीडीएफ आपको मिल रही है। वीकली आपका टेस्ट हो रहा है, हर संडे टू संडे आपको टेस्ट देना है। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहा है तो भैया टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आप अपने तैयारी का आकलन किस प्रकार से करोगे, आप अपने तैयारी का जो आकलन है इसी माध्यम से करोगे, टेस्ट के माध्यम से। आप डायरेक्ट जो है अभी यहाँ पर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लगभग 11,000 के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएंगे आपके,
जो बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली 1800 पोस्ट की है, वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, ठीक है। सबसे बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है बिहार में जो वैकेंसी आ रही है 1800 पोस्ट की, और एक तैयारी बुक करने का भी अवसर है, क्योंकि लगभग जो है आपकी ही मेहनत के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा की, अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा किसे करते हैं। देखो सबसे पहले संदर्भ शब्द की अपन बात करते हैं, एक एक व्यू पॉइंट से अपन बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपने पास शब्द कौन सा आता है, संदर्भ शब्द। इस संदर्भ शब्द की अपन बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के शब्द से दोस्तों द्रव शब्द से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। द्रव शब्द की अगर अपन बात करें, ये सम उपसर्ग लगाकर बना है, क्या बना है दोस्तों, सम उपसर्ग लगाकर बना है। तो सम उपसर्ग जो लगाकर बनता है वो कौन सा बनता है, द्रव। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए संदर्भ शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा से होती है, तो है दोस्तों संस्कृत भाषा के द्रव शब्द है। इस द्रव शब्द की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, इसके अर्थ की अपन बात करते हैं, इसका अर्थ किसे कहते हैं। देखो अर्थ जो होता है समायोजित करने वाला, क्या है यहाँ पर आपके, इसका अर्थ क्या है, समायोजित समायोजित करने वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन बोल सकते हैं मिलाने वाला हो गया, मिलाने वाला हो गया, या बोलने वाला या बांधने वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्या होता है, अर्थ होता है। देखो समायोजित करने वाला, मिलाने वाला, मतलब जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी गई है उनको एक समायोजित के रूप में जो पाठकों को सूचनाएं प्रदान की जाए, आपको सूचनाएं जो पाठकों और प्रलेखकों के मध्य एक व्यक्तिगत तौर पर संदर्भ से दी जाती है, तो उनको उनको मिलाया जाए, इसका ये दोस्तों इसका यहाँ पर अर्थ लिया जा सकता है। तो एक बेसिक तरीके से अपन बात करें संदर्भ शब्द की, अपन ने बात की, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, एक बार इसको लिख लो, ठीक है। इसके अपन बात करें बेसिक से अपन बात करें, तो एक शब्द की अपन बात करते हैं, इसकी दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ मिलाना, वो दोस्तों क्या कहलाता है आपका, संदर्भ शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ मिलाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, संदर्भ शब्द कहलाता है। और संदर्भ सेवा कहलाती है पाठकों और पढ़लेखों के मध्य एक व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी संदर्भ सेवा कहलाती है। अब सबसे पहले अपन दोस्तों अपन जो बात करते हैं, सबसे पहले किसकी अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, तो संदर्भ सेवा की अपन बात करते हैं। देखो जो संदर्भ सेवा है इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है, आपसे पूछा जाए एग्जाम में संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, तो मेरा दोस्तों अपना एक ही जो फंडा अपना जो पढ़ने का आप जो है कि कंसेप्ट क्लियर करो, क्या करो आप, कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों 1875 की अपन बात करते हैं, फिलाडेल्फिया शहर है, क्या है आपका, फिलाडेल्फिया शहर। ये फिलाडेल्फिया शहर दोस्तों कहां पर है, ये आपका यूएसए में पड़ता है, फिलाडेल्फिया जो शहर है कहां पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है 1875 में एक सम्मेलन होता है, क्लियर है, 1875 में क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सैमुअल एस ग्रीन ने भी क्या लिया, भाग लिया, सैमुअल एस ग्रीन ने दोस्तों यहाँ पर क्या लिया, भाग लिया है, क्लियर है, किस सम्मेलन में आपकी, फिलाडेल्फिया शहर के सम्मेलन में यहाँ पर क्या लिया, इन्होंने भाग लिया, ठीक है। इस सम्मेलन की अगर अपन बात करते हैं, अपन बात करें इस सम्मेलन में सैमुअल एस ग्रीन ने संदर्भ सेवा पर प्रथमतया विचार प्रकट की, तो संदर्भ सेवा पर प्रथमतया, संदर्भ सेवा पर प्रथमतया विचार प्रकट की, ठीक है। तो जो विचार प्रकट किए हैं, तो विचार प्रकट दोस्तों किसने किए हैं, वह विचार प्रकट करने वाला उस विद्वान का नाम क्या रहेगा, उस विद्वान का दोस्तों नाम रहेगा सैमुअल एस ग्रीन रहेगा। देखो एक सम्मेलन होता है 1875 में, ये 1875 में जो सम्मेलन हो रहा है ये आपके फिलाडेल्फिया शहर है, ये फिलाडेल्फिया शहर जो आपके यूएसए में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इस सम्मेलन में जो है अनेक विद्वानों ने क्या लिया, भाग लिया, आपके अनेक पुस्तकालय अध्यक्षों ने भाग लिया, इनमें से एक व्यक्ति जो है यूएसए के ही व्यक्ति है सैमुअल एस ग्रीन, जिन्होंने इन्होंने भाग लिया। तो इन्होंने कहा कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी गई है उनके रखी गई है उनमें दोस्तों जो सूचनाएं उपलब्ध है, लेकिन कई ऐसे पाठक आते हैं जो सोच से संबंध है,
जिनके पास समय का अभाव है लेकिन या उनको पुस्तकालय का उपयोग नहीं करना आता है और उनको सूचना की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए एक अलग से विभाग की आवश्यकता स्थापना की जानी चाहिए और उस विभाग का नाम क्या, संदर्भ विभाग की स्थापना की जानी चाहिए और संदर्भ विभाग में पाठकों को संदर्भ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो इन्होंने सर्वप्रथम इस सम्मेलन में क्या किया है, विचार प्रकट किया है और इनके विचार प्रकट करने के बाद ही आपके यूएसए के पुस्तकालय में संदर्भ सेवा दी जाने लगी है। फिर बात करते हैं पुनः 1876 की बात है। 1876 में दोस्तों क्या है, आपका जो फिलाडेल्फिया शहर है, ये फिलाडेल्फिया शहर कहाँ का है, सिटी है, ये आपके यूएसए में होता है। यूएसए में दोस्तों क्या होता है, पुनः सम्मेलन होता है, पुनः सम्मेलन होता है और ये पुनः सम्मेलन हो रहा किस पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये संदर्भ सेवा पे हुआ। पुनः सम्मेलन होता है ये किसके लिए होता है दोस्तों, आपकी पुनः सम्मेलन जो हुआ है आपके संदर्भ सेवा पर सम्मेलन होता है। इसमें दूसरी बार दोस्तों भाग लिया है, दोबारा भाग लेने वाले कौन है, आपकी सैमुअल एस्क्रीन है। इन्होंने फिर क्या लिया दोस्तों, भाग लिया और भाग लेने के बाद इन्होंने क्या किया, पुनः विचार प्रकट किए, पुनः विचार क्या किए दोस्तों, प्रकट किए और ये पुनः जो विचार प्रकट किए दोस्तों किस पर किए, संदर्भ सेवा पर विचार प्रकट किए हैं इन्होंने दोस्तों। जो संदर्भ सेवा को दोस्तों क्या बताया, देखो ध्यान देना, जो है इन्होंने सैमुअल एस्क्रीन है, सैमुअल एस्क्रीन की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, इन्होंने संदर्भ सेवा क्या बताया आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इन्होंने संदर्भ सेवा क्या बताया है, व्यक्तिगत सेवा बताया है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा किसने बताया है, दोस्तों संदर्भ सेवा को जो व्यक्तिगत सेवा होता है वो सैमुअल एस ग्रीन ने बताया है। क्लियर है, एक बार इसको पूरा क्या कर लो, उतार लो, एक बार लिख लो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने केवल और केवल अभी अपन बात की है कि संदर्भ सेवा का रेफरेंस सर्विस का प्रारंभ किस प्रकार से होता है। दो बार सम्मेलन होता है संदर्भ सेवा पर, प्रथम सम्मेलन 1875, दूसरा 1876। अब आपसे पूछा जाए संदर्भ सेवा का प्रारंभ काल माना जाता है, आपसे पूछा जाए क्या माना, पूछा जाए कि इसका प्रारंभ काल आपसे पूछा जाए, संदर्भ सेवा का क्या पूछा जाए, प्रारंभ काल। तो दोस्तों प्रारंभ काल इसका क्या माना जाएगा, प्रारंभ काल संदर्भ सेवा का जो माना जाएगा वो है, माना जाएगा 1875 माना जाएगा और कहां पर, यूएसए में माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ होता है वो 1875 में होता है और कहां पर, आपकी यूएसए के पुस्तकालय में जो होता है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। दूसरा सम्मेलन 1875 में फिर हुआ, इस 1875 के सम्मेलन में क्या हुआ, फिर आपके जो है यहाँ पर भाग लिया अनेक पुस्तकालय अध्यक्ष ने, भाग लिया अनेक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष ने भाग लिया और इन्होंने कहा कि भैया दोबारा संदर्भ सेवा दी जानी चाहिए। तो विचार पुनः इन्होंने प्रकट कर दिए। ठीक है, और इन्होंने संदर्भ सेवा को क्या बताया है, जो सैमुअल एस ग्रीन है, इन्होंने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा बताया है कि पाठकों और प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर संदर्भ सेवा दी जानी चाहिए। अगर कोई भी पाठक पुस्तकालय में आता है और किसी प्रकार की सूचना की मांग करता है तो पाठकों को जो है वह एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष अपने स्वयं जो है क्या करे, उसको सूचना प्रदान करे, वही दोस्तों क्या कहलाती, व्यक्तिगत सेवा कहलाती है। देखो व्यक्तिगत सेवा कैसे कहला रही है, यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखो कोई पाठक आता है, ये रेफरेंस लाइब्रेरी है, ये कौन है भैया, ये रेफरेंस लाइब्रेरी है और यहाँ पर ये पाठक आकर क्या कर रहा है, सूचना की मांग कर रहा है। यहाँ पर आकर जैसे ही सूचना की मांग की, आपने क्या कर दिया, इसको उनको सूचना प्रदान कर दी। इन्होंने बोला भैया जो है नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, तो पुस्तकालय दिवस जो भारत में आपके 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये क्या होगी, संदर्भ सेवा हो गई। अब संदर्भ सेवा भी अलग अलग प्रकार की होती है, वो अपन आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का विभाग होता है, आप जाकर किसी कोई भी पाठक पुस्तकालय में पूछ सकता है, संदर्भ विभाग के द्वारा सूचना प्रदान की जाती है। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार इसको लिख लिया होगा। अब जो है अगर अपन बात करें, एक विद्वान का और नाम आता है दोस्तों, उस विद्वान का नाम आता है सैमुअल रोथस्टीन। किसका नाम आता है, सैमुअल रोथस्टीन जो है, इस विद्वान का नाम आता है। देखो सैमुअल रोथस्टीन की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, इसके बारे में एक बार समझना, इन्होंने दोस्तों क्या लगाया है, इन्होंने अनुमान लगाया, इन्होंने क्या कहा, अनुमान लगाया। ठीक है, अनुमान लगाया, ठीक है, अनुमान लगाया कि संदर्भ सेवा 1875 के आसपास, संदर्भ सेवा, ठीक है, 1875 के आसपास, 1875 के आसपास यूएसए के पुस्तकालयों में दी जाने लगी,
यूएसए की पुस्तकालयों में दी जाने लगी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संदर्भ सेवा का अनुमान किसने लगाया है, किसके अनुसार 1875 के आसपास जो है पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा दी जाने लगी है। तो संदर्भ सेवा जो दी जाने लगी है आपकी संदर्भ सेवा वह किसके अनुसार बात करें, सैमुअल रूथस्टीन के अनुसार बात करें तो ये 1875 के आसपास आपके अमेरिका के पुस्तकालय में संदर्भ सेवा दी जाने लगी है। इन्होंने केवल और केवल क्या किया, अनुमान लगाया। इनका दोस्तों जन्म जो होता है 1900 के बाद जो है 1910 के बाद इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये क्लियर चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत की अपन ने बात कर ली, विश्व की तो अपन ने बात कर ली कि विश्व में जो संदर्भ सेवा का प्रारंभ करता कौन है, तो विश्व में संदर्भ सेवा का प्रारंभ करता कौन है उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा, आपकी सैमुअल एस ग्रीन रहेगा। ये सैमुअल जो एस ग्रीन है यहाँ पर जो है ना कई जगह दोस्तों आपको मिल जाएगा इनका पूरा, इस एस का भी आपको पूरा नाम मिल जाए, तो इनका पूरा नाम क्या है, स्वेट, सैमुअल स्वेट ग्रीन है। क्लियर है, ये थोड़ा सा बेसिक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब भारत के अपन दोस्तों पर बात करते हैं, एक बार नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक चीज को आप लिख लेना। अब बात करें भारत की, देखो भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, तो भारत में दोस्तों अपन बात करें संदर्भ सेवा के अपन प्रारंभ की अपन बात करते हैं, तो भारत में दोस्तों संदर्भ सेवा जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ दोस्तों लगभग जो अपन कह सकते हैं प्रारंभ 1929-30 में भारत में संदर्भ सेवा प्रारंभ की जाती है। आपसे पूछा जाए किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है दोस्तों, तो भारत में संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम भारत में जो संदर्भ सेवा का प्रारंभ होता है वो दोस्तों किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1929-30 में संदर्भ सेवा का प्रारंभ कर दिया जाता है। इन्होंने जो संदर्भ सेवा दी जा रही है, इन्होंने संदर्भ सेवा प्रारंभ किया, आपसे पूछा जाए कि संदर्भ सेवा इन्होंने कहां प्रारंभ किया, किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया, तो दोस्तों कहां पर प्रारंभ किया है, उस विश्वविद्यालय का नाम है मद्रास विश्वविद्यालय। इन्होंने संदर्भ सेवा को जो प्रारंभ किया है वो दोस्तों कहां प्रारंभ किया है, मद्रास विश्वविद्यालय। तो संदर्भ सेवा दोस्तों प्रारंभ होती है सर्वप्रथम वो कहां पर होती है, मद्रास विश्वविद्यालय में, और कब किया है 1929-30 में किया है, और किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। फिर उसके बाद में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत में संदर्भ विभाग की स्वीकृति, तो भारत में दोस्तों संदर्भ विभाग की स्वीकृति होती है, भारत में संदर्भ विभाग की स्वीकृति वो दोस्तों अलग से दोस्तों कब होती है, 1937 में होती है। और ये संदर्भ विभाग की स्वीकृति दोस्तों कहाँ होती है, आपसे पूछा जाए कहाँ पर की गई है, ये भी आपके मद्रास विश्वविद्यालय में यहाँ पर संदर्भ विभाग की स्वीकृति की जाती है। भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिन्होंने एक प्रणत या जो है पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या किया है, नियुक्त किया है, तो वह भी कौन है, आपकी मद्रास विश्वविद्यालय है। अब देखो अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे इंपोर्टेंट बनते हैं। देखो संदर्भ विभाग की स्वीकृति की अपन बात करते हैं और 1929-30 की अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा का प्रारंभ करता कौन है, तो भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ करता दोस्तों कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। कहां पर किया है, मद्रास विश्वविद्यालय में किया है, ठीक है, कब किया, 1929-30 के रूप में। अभी यहां पर दोस्तों एक संदर्भ सेवा जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, किस विभाग के द्वारा, संदर्भ विभाग के द्वारा दी जाती है। जबकि 1929-30 में संदर्भ सेवा प्रारंभ हुई, पाठकों को सूचनाएं प्रदान की जाने लगी आपकी एक व्यक्तिगत तौर पर, तब यहाँ पर दोस्तों एक विभाग की स्थापना नहीं होती, एक जो है औपचारिक तौर पर ही क्या कहती है, स्थापना जो संदर्भ सेवा दी जाने लगी है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से संदर्भ सेवा दी जाने लगी, एक विभाग की स्थापना कहती है, आपके पुस्तकालय में अलग से कक्ष बनाया जाता है, उसमें एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, और उस संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा संदर्भ सेवा दी जाने लगी, तो वह कब से दी जाने लगी, आपके 1937 में। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा कि भारत में सर्वप्रथम संदर्भ विभाग की स्वीकृति कब होती है, 1937 में होती है, किस विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय में, किसके द्वारा की गई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा की जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इनकी भी अपन बात करते हैं, इन्होंने दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करें तो इन्होंने संदर्भ सेवा है, अगर अपन बात करें इन्होंने संदर्भ सेवा को दोस्तों क्या बताया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करते हैं तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को दोस्तों क्या बताया है, इन्होंने भी व्यक्तिगत सेवा बताया, याद आ जाएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करते हैं, इन्होंने संदर्भ सेवा क्या बता दिया, व्यक्तिगत सेवा बता दिया। अब दो विद्वान आपके सामने हो गए,
एक तो दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन होंगे और एक कौन होंगे, सैमुअल एस्क्रिन होंगे। इन दोनों की अपन बात यहाँ पर करते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों एक चीज यहाँ पर समझना, क्या समझना है यहाँ पर आपकी, आपसे पूछा जाए जो है संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा किसने बताया, आपसे पूछा है संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा किसने बताया। तो अगर आपसे ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, ये एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। वहां पर दोस्तों सैमुअल एस ग्रीन मिले, देखो ध्यान देना सैमुअल एस ग्रीन या स्वेट ग्रीन, ठीक है। एक सैमुअल दोस्तों एक और मिल जाए सैमुअल रोथस्टीन, ठीक है। एक कौन सा मिल जाए, सैमुअल रोथस्टीन मिल जाए, और एक दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है दो हो गया, तीसरा हो गया। यहाँ पर एसआर आपको रंगनाथन मिल जाते हैं, भारत के जो मिल जाते हैं विद्वान, ठीक है। और एक जो मिलता है आपको मिलता है डी ऑप्शन, आपको नरोपेश मिल जाता है। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा को जो व्यक्तिगत सेवा बताया है वो दोस्तों किसने बताया है, संदर्भ सेवा को जो व्यक्तिगत सेवा बताया है वो किसने बताया है, वो बताने वाले प्रथम तय बताने वाले हैं वो तो दोस्तों कौन है आपकी, सैमुअल एस ग्रीन है। कौन है, सैमुअल एस ग्रीन। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन बन के आ चुका है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, चाहे केवीएस की बात कर ली, एनवीएस की बात कर ली, डीटी प्लस सी, तो वहां पर सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन के आ चुका है, दोनों ऑप्शन आपको मिले। तो पहले किसको प्राथमिकता देनी है, तो दोस्तों पहले जो संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा बताने वाले विद्वान कौन है, सैमुअल एस ग्रीन है, क्लियर है, आप पहले इसको प्राथमिकता दोगे। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको प्राथमिकता किसको देनी है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को प्राथमिकता देनी है, क्लियर है, याद हो जाएगा। अगर डॉक्टर एस आर रंगनाथन आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिले, ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या है आपको, या आपको सैमुअल एस ग्रीन ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर किसको प्राथमिकता देनी है आपको, एस आर रंगनाथन को। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दोनों में से वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, कहने का मतलब या तो सैमुअल एस ग्रीन या डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो पहले इसको प्राथमिकता देनी है, और दोनों में से एक ऑप्शन मिले तो आप समझ में गए होंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में क्या बनाओगे, संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा किसने कहा है, पहले दोनों इस प्रकार से क्वेश्चन बनाओगे एक बार, ठीक है, और अपनी कॉपी पे प्राथमिकता किसको देनी है, इसको देनी है। फिर उसके बाद में संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा किसने कहा है, एक ऑप्शन यह थाना है, ठीक है, फिर आपका जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, फिर आप एक और ऑप्शन बनाओगे उस ऑप्शन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को उठा दो, क्लियर है, याद रहेगा। तो एग्जाम की व्यू पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है, एक बार क्या करो इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, आगे बढ़े, देखो अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों की क्या बात की अपन ने, दो प्रकार के संदर्भ सेवा की अपन बात की, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ कब होता है और विश्व में संदर्भ सेवा का प्रारंभ कब होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आवश्यकता है कि अपन बात करते हैं, ठीक है। तो संदर्भ सेवा की अपन बात करते हैं, कुछ परिभाषाओं की पहले अपन बात करते हैं, देखो तो सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर लुईस सोर्स के अनुसार। तो लुईस सोर्स संदर्भ सेवा पुस्तकालय के लिए एक वही कार्य है जो फोर्ज के लिए क्या करता है, गुप्त कार्य करता है। लुईस सोर्स ने क्या कहा है कि संदर्भ सेवा जो है ना पुस्तकालय के लिए वही कार्य करती है जो एक फोर्ज के लिए क्या करती है, गुप्तचर कार्य करता है। गुप्तचर के अपन बात करें कि गुप्तचर क्या करता है, फोर्ज के लिए जो है अलग अलग सूचनाएं प्रदान करता है, नई नई सूचनाएं प्रदान करता रहता है कि अब क्या होने वाला है, जो है दुश्मन क्या कर रहा है। उसी प्रकार जो है संदर्भ सेवा भी क्या करती है, अगर कोई पाठक पुस्तकालय में आता है किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता की मांग करता है तो संदर्भ सेवा या संदर्भवाद जो है उसको क्या करता है, सूचनाएं प्रदान संदर्भ सेवा प्रदान करता है। तो ये कथन जो कहने वाले विद्वान कौन है, ये दोस्तों आती लुईस सोर्स के अनुसार है। इसके बाद में आता है विलियम बी चाइल्ड आता है, कौन आता है दोस्तों आपकी, विलियम बी चाइल्ड आता है। विलियम जे बी चाइल्ड ने क्या है, संदर्भ सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पाठकों की सूची की जटिलता से परिचय करने में प्रश्नों के उत्तर देने से तात्पर्य है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, कोई भी पाठक पुस्तकालय में आता है किसी प्रकार के जटिल प्रश्न जो है पूछता है तो उसको जो जटिल प्रश्न है या पाठकों को जो है उनके सूची की जटिलता से परिचय देने से अर्थ जो है उत्तर देता है वह कौन आपकी जो है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। आप कोई पाठक पुस्तकालय में रहता है किसी प्रकार की सूचना की मांग करता है तो किस से मांग करेगा, किस विभाग से, संदर्भ विभाग से। और संदर्भ विभाग में दोस्तों जो सूचना की मांग करेगा, संदर्भ विभाग में सूचना की मांग करेगा या संदर्भ विभाग में सूचना प्रदान करेगा वह कौन करेगा, वह दोस्तों संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष करेगा, क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं ए एल एन ए के अनुसार बात करते हैं,
ए रेली का पूरा नाम क्या है? इसका दोस्तों जो पूरा नाम है, इसका जो पूरा नाम है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्लियर है? इसका जो पूरा नाम क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों इसका पूरा नाम है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1876 में होती है और कहां पर होती है? फिलाडेल्फिया शहर में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? सर इसका जो वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहां पर है? शिकागो यूएसए में। देखो अपन बात करते हैं एएलए की, अपन बात करते हैं पुस्तकालय गतिविधियों का पहलू या पक्ष जो सूचना खोजने में एवं प्रधान करने का अध्ययन एवं शोध पुस्तकालय सामग्री का उपयोग करने में दोस्तों पाठकों की व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने में जो है आश्चर्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने भी दोस्तों क्या कर दिया, व्यक्तिगत सहायता बता दिया। व्यक्तिगत सहायता जो प्रभावित किया है, व्यक्तिगत जो है संदर्भ सेवा को उन्होंने दो विद्वानों ने किया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन और एक कौन आपके सैमुअल एस ग्रीन है। जेम्स आई वायन के अनुसार अपन बात करें तो पुस्तकालय प्रकाशन की वह भूमिका है जो पाठकों को प्रदान की एक व्यक्तिगत सहायता से संबंधित होती है, ठीक है, वह दोस्तों क्या कहलाती है आपके संदर्भ सेवा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पाठकों को प्रदान की गई एक व्यक्तिगत सहायता से संबंध है। कोई भी पाठक पुस्तकालय में किसी प्रकार की सूचना की मांग करने आता है, जो संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष है वो एक व्यक्तिगत तौर पर क्या करता है, उसकी सहायता करता है, व्यक्तिगत तौर पर उसको सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर फिर व्यक्तिगत आए, तो व्यक्तिगत आने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने भी ये कथन दिया है। कथन जो व्यक्तिगत जो है संदर्भ सेवा को जो बताया है कि पाठकों एवं प्रलेखकों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली संदर्भ सेवा है, वह दो विद्वानों ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन और सैमुअल एस्क्रीन, पहले सैमुअल एस्क्रीन ने बताया और दूसरी बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बताया है। एक बार क्या करोगे, इसको लिख लो आप, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आगे, अपन कुछ अपन बात करते हैं कुछ आपके कथन की, अपन बात कर ले तो सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, उन कथन की अपन बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं पाठकों एवं प्रलेखकों के मध्य, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बन के आया हुआ है, पाठकों एवं प्रलेखकों के मध्य, प्रलेखकों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली, व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली, दी जाने वाली सेवा संदर्भ सेवा कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? संदर्भ सेवा कहलाती है, ठीक है। ये संदर्भ सेवा जो कहलाती है ये किसका कथन है दोस्तों? ये जो कहलाती है ये कहला किसके अनुसार है? एक तो सैमुअल एस ग्रीन है, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो कथन देने वाले हैं दो विद्वान यहाँ पर है, एक विद्वान का तो दोस्तों नाम क्या है आपकी? सैमुअल एस ग्रीन है, ठीक है, सैमुअल एस ग्रीन। और दूसरा विद्वान कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्होंने दोनों ने क्या बताया? संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा बताया है। क्लियर है? तो ये व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन दूसरे कथन की दोस्तों अपन बात करते हैं, जो आपके लिए क्या है मोस्ट, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जाए संदर्भ सेवा की, जो संदर्भ सेवा जो है, संदर्भ सेवा विचारधारा की प्रारंभकर्ता, तो संदर्भ सेवा विचारधारा की प्रारंभकर्ता की अगर अपन बात करें, विचारधारा प्रारंभकर्ता की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, तो इसके प्रारंभकर्ता आपसे दो प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। एक तो विश्व की अपन बात करते हैं, तो विश्व में तो दोस्तों कौन है इसके प्रारंभकर्ता आपकी? सैमुअल एस ग्रीन है। कौन है? सैमुअल एस ग्रीन है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाए भारत की अपन बात करें, तो भारत में दोस्तों कौन है आपकी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्लियर रह जाएगा, याद रह जाएगा, संदर्भ सेवा के प्रारंभकर्ता कौन है विचारधारा की? तो विश्व में सैमुअल एस ग्रीन है और भारत में कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इसके बाद में कुछ मोस्ट एक और अपन बात करते हैं, ठीक है, संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है जो बुद्धिमता का सैन्य बल में है, ठीक है, जो बुद्धिमता का दोस्तों क्या है? सैन्य बल में है। ये कथन दोस्तों जो देने वाले हैं, ये कथन दोस्तों कौन देने वाला है, उस कथन की अपन बात करें तो ये कथन देने वाले हैं आपके दोस्तों लुईस सोर्स हैं,
कौन है आपके दोस्तों? लुईस सोर्स। तो लुईस सोर्स ने कहा, क्या कहा है आपकी, कि संदर्भ सेवा का पुस्तकालय वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का दोस्तों सैन्य बल में है। इसके बाद में एक और अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपकी शोध व्यू रचना अंधेरे में देखने दर्पण देखने के समान है। अगर अपन बात करें शोध व्यू रचना, ठीक है, शोध व्यू रचना अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, अंधेरे में जो है अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, देखने के समान है। तो ये जो कथन दोस्तों जो देने वाले हैं समान है, ये कथन किसने दिया है आपके? डब्ल्यू ए केटज ने दिया है। ध्यान देना यहाँ पर जो ये कथन जो दिया है ये किसने दिया है? डब्ल्यू ए केटज ने दोस्तों क्या दिया, इस कथन को दिया है। एक कथन दोस्तों आपको एक और मिलता है, उसकी भी अपन बात करते हैं। एक कथन क्या है? संदर्भ सेवा सिद्धांतों में अगर अपन बात करें मिनिमम मेटलिक मैक्सिमम का सिद्धांत दिया किसने दिया है दोस्तों? अगर अपन बात करें मिनिमम, ठीक है, जो है मिनिमम मेटलिक, अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं मिनिमम की हो गया, मेटलिक हो गई, ठीक है, और मिनिमम मेटलिक और मैक्सिमम का सिद्धांत, मैक्सिमम का सिद्धांत, ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? अगर अपन बात करते हैं तो ये संदर्भ सेवा जो सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है आपकी? ये दिया आपकी सैमुअल रोथस्टीन ने दिया। किसने दिया है आपकी? सैमुअल रोथस्टीन ने दिया है। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं इनको समझते हैं। जब क्लास में आपको बोर्ड पे एक एक चीज लिखवाई जा रही है तो आप क्या करोगे? एक एक चीज को आप लिखोगे। एक बार क्या करो, इसको लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो चित्रकला करने जा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने वीडियो को पोस्ट कर दी। कथन की अपन बात करते हैं, सबसे पहले दो कथन यहाँ पर आपसे पूछा है व्यक्तिगत सेवा कौन दिया है? तो व्यक्तिगत सेवा ऐसा रंगनाथन और सैमुअल ग्रीन। संदर्भ सेवा का विचारधारा का प्रारंभ करता कौन है? तो अगर आपसे पूछे विश्व स्तर पर तो सैमुअल एस ग्रीन है, और आपसे पूछे भारत में तो कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। संदर्भ सेवा जो है, संदर्भ सेवा की अपन बात करें पुस्तकालय में वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में है, ये कथन किसका है? लुईस सोर्स का है। किसका कथन है दोस्तों? लुईस सोर्स का है। तो संदर्भ यहाँ पर लिखना संदर्भ सेवा में, ठीक है, संदर्भ सेवा में पुस्तक, संदर्भ सेवा की बात करें संदर्भ सेवा का, संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है, यह संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में। एक जो है शोध व्यू रचना अंधेरे में दर्पण देखने के समान है। देखो जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रकार को पाठक की आवश्यकता होती है शोध रिसर्च संबंधित कोई जानकारी की। सपोज करते हैं कोविड पर उसको जानकारी चाहिए, कोविड पर जो कोविड 19 आता है कोरोना वायरस पर, तो अगर कोई पाठक ढूंढने के बैठेगा तो उसको क्या है, अलग अलग पीरियोडिकल्स, अलग अलग सामयिक प्रकाशन, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग जहां जहां से सूचनाएं प्राप्त करेगा। तो एक अंधेरे में दर्पण देखने के समान ही है जो शोध रिसर्च से संबंध होती है। तो ये सभी जो रिसर्च है, ये सभी सूचनाएं कौन प्रदान कर सकता है? संदर्भ विभाग जो इकट्ठी करके उस पाठक को प्रदान कर सकता है, जिससे उस पाठक के समय की बचत की जा सकती है। मिनिमम मिडलिंग और मैक्सिमम का सिद्धांत दिया है सैमुअल रोथस्टीन ने दिया है। जब अपन संदर्भ सेवा टाइप्स पढ़ेंगे, आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस, तब इस जो सिद्धांत को अपन क्या करेंगे वहां पर क्लियर करेंगे। एक बार क्या करो, उसको लिख लिया होगा, आगे अपन बढ़ते हैं। एक सिद्धांत और दोस्तों दिया है, वो किसने दिया है? कंजर्वेटिव, अगर अपन बात करें कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल का सिद्धांत, ठीक है, किसने कौन सिद्धांत दिया है? कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया, मॉडरेट और लिबरल का सिद्धांत जो दिया है ना, लिबरल का और लिबरल का सिद्धांत, ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया आपके? लिबरल का सिद्धांत ये किसने दिया आपके? जेम्स आई वायर ने दिया है आपके संदर्भ सेवा के लिए। ये सिद्धांत जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? आपके जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया है। तो जेम्स आई जो वायर है, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? कंजर्वेटिव मॉडरेट एम और लिबरल का सिद्धांत दिया है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा, ये जो कथन लिखवा रहा हूँ ना, ये सभी दोस्तों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बन के आ चुके हैं, जो आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों आपको एक एक चीज लिखवाई जा रही है, ठीक है। और यही चीज आपको वहां पर नोट्स में मिल जाएगी, तो आप नोट्स के माध्यम से क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। लेकिन आपको याद करना है ये कथन में दोस्तों, कोई समझने का वो नहीं है, याद करना है। जैसे कंजर्वेटिव मॉडरेट और लिबरल का सिद्धांत हो गया, किस प्रकार से कार्य करता है संदर्भ सेवा में,
जब अपन टाइप्स ऑफ रेफरेंस जो संदर्भ सेवा अपन बात करेंगे, संदर्भ सेवा के प्रकार की अपन बात करेंगे, तब इस सिद्धांत का अपन वहां पर क्या करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लिया होगा आशा करता हूं आपने। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन दोस्तों अपन बात करते हैं अब संदर्भ सेवा जो है किस किस माध्यम से दी जाती है। आप जो है संदर्भ सेवा क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हो। जो ऐसे पुस्तकालय जो है ऑनलाइन का जो है प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रखा है, जो डिजिटल पुस्तकालय है, जो आधुनिक पुस्तकालय है, जो ऑनलाइन सेवा जो है संदर्भ सेवा भी देते हैं, तो वहां पर ऐसे पुस्तकालय से आप ऑनलाइन संदर्भ सेवा भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप जो पुस्तकालय ने जो वेबसाइट डिजाइन कर रखी है, उस पुस्तकालय की वेबसाइट पर जाकर जो संदर्भ सेवा जो विभाग है उसके अलग से रेफरेंस सर्विस जो अलग से देता है, वहां से आप संदर्भ सेवा की मांग कर सकते हो, आप सूचना की मांग कर सकते हो, तो उस सूचना वहां पर प्रोवाइड आपको करवाई जा सकती है। और एक जो है आप फिजिकल फॉर्म में जाकर, आप पुस्तकालय में जाकर जो संदर्भ विभाग है वहां से अपनी सूचनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। ठीक है, जो दो प्रकार से दी जाती है, एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस होती है, एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। एक संदर्भ सेवा का दो प्रकार पाए जाते हैं, इनको अपन क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने विभाग है, इस विभाग में ये पाठक आता है, यहाँ पर ये पाठक क्या कर रहा है, संदर्भ जो अपनी सूचना की आवश्यकता की मांग कर रहा है, कहां से कर रहा है, आपके संदर्भ विभाग से प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों क्या कर सकते हो आप, जो संदर्भ सेवा को ऑनलाइन के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप सेवाएं प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन। ये दोस्तों अपन सपोज करते हैं पुस्तकालय, आप यहाँ पर क्या करो, ये मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, आप वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से क्या कर सकते हो, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। ये क्या होगी, ऑनलाइन इंक्वायरी एंड रेफरेंस सर्विस होगी। आपको किसी एक व्यक्तिगत तौर पर कोई विशेष सूचना चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उनको जो मैसेज कर सकते हो, ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, या आप उनको जो है मैसेज कर सकते हो, या आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, या नहीं करते तो या जो पुस्तकालय जो वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान कर रखा है, ऐसा डिजिटल पुस्तकालय है जहाँ पर वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान कर रखा है, आप डायरेक्ट संदर्भ जो लाइब्रेरी है, रेफरेंस जो लाइब्रेरी है, उससे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हो, तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना की आवश्यकता है, वो प्राप्त कर सकते हो। या जो है ऐसा जो पुस्तकालय की जो है सेवाएं प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई पाठक जो दूर से है यहाँ पर पुस्तकालय में आएगा और जाएगा, उसका वहां पर समय का जो है समय का व्यर्थ होगा, तो पाठक के समय बचाने के लिए जो ऑनलाइन इंक्वायरी या ऑनलाइन संदर्भ सेवा दी जाती है। ठीक है, तो फोन के माध्यम से भी अपनी संदर्भ सेवाएं प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है, याद रह जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, जैसे एक और यहाँ पर जो है चित्र है मेरे पास जो है, यहाँ पर क्या करें भैया, ये जो है विद्वान क्या करें, आपके संदर्भ विभाग में आकर क्या करें, अपनी जो सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करें, संदर्भ विभाग के द्वारा इन पाठकों को संदर्भ सेवाएं दी जा रही है, और किस प्रकार से एक व्यक्तिगत तौर पर क्या करें, इनको संदर्भ सेवाएं दी जा रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आगे अपन दोस्तों अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा के विकास और उत्पत्ति की, अपने बात कर ली है। संदर्भ सेवा की विशेषताओं की अपन बात करते हैं, विशेषताएं क्या क्या है। संदर्भ सेवा जो है सभी पाठकों को समान रूप से दी जाती है। एक चीज ध्यान रखना, संदर्भ सेवा जो है पाठकों को समान रूप से दी जाती है। ऐसा नहीं एक पाठक को संदर्भ सेवा जो है आप नहीं दे रहे हो, सूचना प्रदान नहीं कर रहे हो, एक को दे रहे हो, एक को जो है आप नॉर्मली सूचनाएं प्रदान कर सकते हो, एक को जो है आप रिसर्च संबंध। अगर कोई पाठक पुस्तकालय में आता है, किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो उस पाठक को आप समान रूप से जो संदर्भ सेवा दी जाएगी, रेफरेंस सर्विस एक समान रूप से उसको दी जाएगी। क्लियर है। अगला, चाहे वह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में आया हो, अगर कोई पाठक जो रिसर्च, कोई पाठक जो है रिसर्च से संबंधित सूचना की मांग कर रहा है, कोई सामान्य सूचना की मांग कर रहा है, किसी प्रकार की सूचना के लिए आया हो, उसको हर प्रकार की सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक है, संदर्भ सेवा शीघ्रता शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। जो रेफरेंस सर्विस है, जो पाठक के द्वारा सूचना मांगी गई है, वह सूचना उसको शीघ्रता शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा नहीं आप जो है ना, आपने आपके पास कोई पाठक आता है पुस्तकालय में, आप जो है रेफरेंस लाइब्रेरी हो, आपने उसे क्या कर लिया, इस जो है सामान्य सी संदर्भ सेवा की मांग की कि पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, आपने उसे समय की मांग कर लिया कि जो है एक महीने बाद माना है, 10 दिन के बाद माना। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना कि पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, आपके 14 नवंबर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो है उनको जो है ऐसे क्वेश्चन जो आप उसी वक्त उनका जवाब दे सकते हो, उसी वक्त उनको सूचना प्रदान कर सकते हो, तो उनको उसी वक्त आपको जो है सूचनाएं सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए शीघ्रता शीघ्र। यह पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री का उपयोग करने में
पाठकों को दी गई एक व्यक्तिगत सेवा होती है। पाठक के प्रश्न को समझकर सही पाठ्य सामग्री देने में सहायता होती है। आप पाठक के एक बार प्रश्न को समझोगे और समझने के बाद उसको सही पाठ्य सामग्री क्या कर सकते हो, सही पाठ्य सामग्री की ओर भी उसको आप निर्देश कर सकते हो या उसको सूचना प्रदान कर सकते हो। ये संदर्भ सेवा की दोस्तों क्या हो गई, विशेषता हो जाती है। एक बार अपनी कॉपी में एक एक चीज को वीडियो को पॉज करके लिखोगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो अपन बात करते हैं टॉपिक की, अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा की आवश्यकता की क्यों पड़ी। देखो संदर्भ सेवा की आवश्यकता की क्यों पड़ती है, पाठकों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कोई ऐसे पाठक आते हैं जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या उनके पास समय का अभाव है, तो ऐसे पाठकों को उनको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संदर्भ सेवा का दोस्तों क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, जो अगर अपन बात करें पाठ्य सामग्री की विविधता, पाठ्य सामग्री का अधिक से अधिकतम का प्रयोग करना, शोध गतिविधियों के संचालन हेतु, ऐसे पाठक जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध पाठकों के पास जो है समय का अभाव रहता है, जो रिसर्च कर रहे हैं पाठक उनके पास क्या रहता है, समय का अभाव रहता है। वो सूचनाएं जो ढूंढते हैं एक एक विषय वस्तु पर रिसर्च करने में उनको अधिक बहुत सारा समय लगता है, इसलिए जो है अगर किसी प्रकार की उनको सूचना की आवश्यकता होती है तो वह संदर्भ विभाग से आकर क्या कर सकते हैं, सूचनाएं की मांग कर सकते हैं। तो शोध गतिविधियों को संचालन है तो शोध गतिविधियां लगातार चलती रहे, इसलिए भी जो है संदर्भ सेवा की आवश्यकता पड़ती है। समानांतर शोध को जो है बढ़ावा देना, रोकना नहीं है यहाँ पर, समानांतर शोध को बढ़ावा देना, ठीक है, इसलिए जो है साथ ही संदर्भ सेवा दी जाती है। क्लियर है। पुस्तकालय के आधुनिक उपकरणों का उपयोग, आप जो संदर्भ सेवा जो दे सकते हो पुस्तकालयों के आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दे सकते हो, ठीक है। पाठ्य सामग्री जटिलता का उपयोग करना, ऐसे पाठ्य सामग्री जो जटिलता है उसका उपयोग करना नहीं आता है, उनमें कोई ऐसी सूचना है जिनका उपयोग समझा नहीं जा रहा है, या कोई ऐसे पाठ्य सामग्री है जो अलग भाषा में है, सपोज कर दें फ्रेंच भाषा में, उस पाठक को फ्रेंच भाषा नहीं आती, तो संदर्भ जो लाइब्रेरी रेफरेंस लाइब्रेरी उस जो फ्रेंच भाषा उसको कन्वर्ट करके उसको क्या कर सकता है, उस पाठ्य सामग्री की जटिलता जो है उसको सूचना जो चाहिए वो सूचना प्रदान कर सकता है। ठीक है, नए पाठकों को पुस्तकालय से परिचय करवाने हेतु एक जो है दीक्षा कार्यक्रम होता है, ये दीक्षा कार्यक्रम संदर्भ विभाग के अंतर्गत ही आता है। कोई ऐसे पाठक जो पुस्तकालय से जो है नए पाठक हैं या पुस्तकालय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो उनको पुस्तकालयों से जो परिचय भी कराया जाता है, ये जो है दीक्षा जो है संदर्भ विभाग का ही दोस्तों एक भाग है, लेकिन जो है किसके अंतर्गत करवाया जाता है, आपकी दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इनिशिएशन। ये दीक्षा जो है ना वो नहीं है जो मंदिरों के मंदिरों में जो है या जो है दी जाती है दीक्षा हम दे, वो नहीं, एक दीक्षा इनिशिएशन अलग से है जो पुस्तकालय में दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है। ये दीक्षा कार्यक्रम आयोजित दोस्तों जो है पुस्तकालय में जो नए पाठक है जो पुस्तकालय के बारे में या पुस्तकालय से परिचय नहीं है तो उनको परिचय करवाने हैं, तो पुस्तकालय समय समय पर क्या करवाता है, दीक्षा कार्यक्रम करवाता है। तो ये भी एक संदर्भ सेवा का ही कार्य है, संदर्भ विभाग का। पुस्तकालय विज्ञान में जो पांच सूत्रों की पालना हेतु, यहाँ पर लिखना ना पांच सूत्रों की पालना हेतु, तो इसलिए भी संदर्भ सेवा दी जाती है। पाठकों को पुस्तकालय सेवाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु आपके संदर्भ सेवा की दोस्तों क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एक बार क्या करोगे, इसको आराम से लिखोगी, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ती है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर संदर्भ सेवा की, अपन ने बात कर ली है बेसिक अपन ने बात की संदर्भ सेवा क्या होती है, रेफरेंस सर्विस क्या होती है, किस प्रकार से पुस्तकालयों में दी जाती है, इसके कौन कौन से कथन दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, ठीक है, और भारत में किस प्रकार से प्रारंभ की जाती है, भारत में कौन है प्रदान करने वाला। तो आज की क्लास में संदर्भ सेवा के बारे में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन बात की, बेसिक चीजें बात की जो एग्जाम के व्यूपॉइंट से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनके बारे में आज की क्लास में अपन ने बात की है। अगली क्लास दोस्तों जो होगी, अगली क्लास अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के प्रकार। संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ये किस प्रकार से दी जाती है, रेडी रेफरेंस सर्विस का समय क्या होता है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस का समय क्या होता है, रेडी रेफरेंस सर्विस में कौन से पाठक आते हैं, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में कौन से पाठक आते हैं, कौन कौन से इसमें ग्रंथों का प्रयोग किया जाएगा, वो एक विस्तृत जानकारी जो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो आप क्लास में ही क्लियर करके जाइए, ठीक है। अगर आप एग्जाम में जो है डाउट लेकर जाते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप डाउट जो है, जितने भी आपके डाउट्स है वो एग्जाम से पहले आप क्लास में ही कंप्लीट कीजिए। आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही है,
आप लाइव क्लासेस के माध्यम से क्या कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। उसी वक्त आपको दोस्तों वहां पर ऑप्शन मिलता है, आपको चैट का ऑप्शन मिलता है मैसेज करने के लिए, आप मैसेज के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाद में इस क्लास को देख रहे हो आप आराम से, तो बाद में भी जो दोस्तों क्या है आपको वहीं पर जो है चैट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप दोस्तों मेरे से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हो और अपने जो भी समाधान है वो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। उसी वक्त आपका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। हो सकता है आपने जो सोचा, आपने जो अपने डाउट्स किया है उसमें 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि कहीं मैं बाहर बिजी हूँ तो उसको जो आपको जवाब देने में क्या उसका टाइम हो सकता है, लेकिन आपका पूरा डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। वो जो आप मैसेज करोगे वो डायरेक्ट जो है मेरे से इंटरेक्ट होगा और मैं ही उनका रिप्लाई करता हूँ। क्लियर है? फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई टॉपिक्स जो है आपको नया टॉपिक उस टॉपिक के बारे में दोबारा और डीपली समझना है, या कोई इंक्वायरी करनी है, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, आपके सामने सामने नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप दोस्तों फोन करके आप जो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अन्य क्लास में, तब तक के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।